रख दिए, अब क्या बात करिएगा। नहीं, अब समय उनके लिए है। अध्यक्ष महोदय, आप आरोप लगा चुके हैं, वो जब आप अपने विषय मैं संता आपका जो अध्यक्ष महोदय पूरे समय में आपने पूरी बात रखे हैं। अब सुनिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहूंगा। सदन में आज पिछले दिन क्या था कि उनको मौका मिलेगा। आप पूरा समय लिए और अपनी बात को रखे, मंत्री जी को बोलने का मैं आग्रह करूंगा कि अपने सभी सदन के साथियों से, आप ही ने नेता सदन से, नेता प्रतिपक्ष से आग्रह करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के तमाम साथियों से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आप में बात छोड़ने की क्षमता है तो आप बैठिए और मेरी बात को सुनिए। मैं सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता को भी कहना चाहता हूं कि आपने मुझ पर जो अनर्गल आरोप लगाया है उसको मैं सदन के माध्यम से खारिज करना चाहता हूं। सदन के सदस्य होने के नाते मेरा यह अधिकार बनता है, आपने मेरा जो चीरहरण किया है, चरित्र हरण किया है, उसकी भरपाई करनी होगी। मैं आप पर मनहानि का आरोप करूंगा। मैं कहना चाहता हूं इस देश के 12 करोड़ जनता को, मैं कहना चाहता हूं देश के 135 करोड़ जनता को, मेरा परिवार एक गरीब खानदान से आता है, ये लोग चरित्र हरण करने का काम करते हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं आग्रह करता हूं आप बैठ जाइए, मेरी बात को सुनिए। एक मिनट, नेता प्रतिपक्ष बैठ जाइए, पहले सब लोग बैठिए, आप भी बैठ जाइए नेता प्रतिपक्ष, आप भी बैठिए। विषय की गंभीरता को देखते हुए आप अपने भाषण के क्रम में कहे थे कि वो अपनी पक्ष को रखें, और हमने विषय की गंभीरता को लेते हुए नेता प्रतिपक्ष के पद का सम्मान करते हुए माननीय मंत्री जी को अपना पक्ष रखने के लिए कह रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है, धैर्य से सुने माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष के द्वारा नहीं, सुनिए, ये उचित नहीं है, सुनिए। आप इनकी पहले बात तो सुनिए। नेता प्रतिपक्ष के द्वारा बोचहा थाना कांड संख्या 298-20 जो शराब अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ है, उनका कहना है, पक्ष तो सुनिए, माननीय प्रतिपक्ष का नेता का कहना है कि माननीय मंत्री के परिसर से दारू मिला है। माननीय मंत्री जी शराब के कारोबारी हैं, माननीय मंत्री जी का परिवार शराब में संलिप्त है, यह स्कूल माननीय मंत्री जी का है, मेरा सफाई देना है और कहना है, और साक्ष्य भी लेकर के मैं आया हूँ। मैं अध्यक्ष महोदय, ये साक्ष्य भी मैं आपके पटल पर रखने का काम करूंगा। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर विगत 2010 से इनके कथाकथित नेताओं के द्वारा मुझ पर हमेशा आरोप लगाया जाता है। सारी विषयों का मैं जवाब दूंगा और सारे विषयों को मैं साक्ष्य रूप में रखूंगा। मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, मैं सदन में दूसरी बार जीत के आया हूं, लेकिन विपक्ष के नेता यहां बैठे हैं, साथी बैठे हैं, मेरे परिवार और खानदान को जानने वाले इसमें 50% ऊपर लोग हैं जो सदन में नहीं भी हैं। मैं कहना चाहूंगा मेरे विधानसभा का विधायक श्री मुन्ना यादव हैं, ललित जी भी जानते हैं, भाई वीरेंद्र भी जानते हैं, आलोक जी भी जानते हैं, तमाम साथियों को मैं जानता हूं, और सदन में यहाँ बैठे मुजफ्फरपुर के विजेंद्र चौधरी यहाँ बैठे हैं, अनिल सहनी बैठे हैं, इसराइल मंसूरी बैठे हैं। मेरे खानदान और परिवार के बारे में दाग लगाने वाला व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मेरा खानदान कैसा है और आपका खानदान कैसा है। मैं सात खानदान का विस्तृत रख दूंगा। और कहना चाहूंगा इसमें जो आरोप लगाया गया है, इस आरोप में मैं बताना चाहता हूँ, अस्थिर और शांति से बैठिए, अगर हिम्मत है तो शांति से बैठिए, मेरी बात को सुनिए, अगर ताकत नहीं है तो गांधी मैदान के पिंड में भजाने का काम कीजिए। मैं ताकत के साथ कहता हूँ, ऐसा कोई मजाल नहीं है कि बचपन में मुझे कोई हिला सकता है। इनकी अगर रिश्तेदारी है, मेरा भी यहाँ 100-100 रिश्तेदारी है, अल्लाह को ज्यादा परिवार मेरे को मानने वाला है। एक ग्वाला के बेटे के बात नहीं सुनना चाहते हैं, पिछड़ा के बेटे के बात नहीं सुनते, चलाने वाले लोग
क्या गोरा के बात सुनेंगे, क्या गाय पालने वाले के बेटे का बात सुनेंगे। मैं कहना चाहता हूँ ये माननीय मंत्री, ये किराए नामा अध्यक्ष महोदय, मैं विगत 7 दिन से मैं प्रताड़ना में हूँ। मेरी 5 साल की माँ, मेरी 9 साल की माँ है। माननीय मंत्री जी, इनके आरोप, एक मिनट के लिए शांति से बैठे। माननीय मंत्री जी, नेता सभी बैठ जाओ। माननीय मंत्री जी, कोई भी विषय को सदन के अंदर तरीके से रखें और सामाजिक सौहार्द में रखें। आप स्थिर से बात करें। मैं मर्यादित बात में सुनने के लिए मर्यादित बना चाहता हूँ। बैठ जाए, शांति से सुने, बैठ जाइए, शांति से सुने। आप सभी लोग बैठ जाइए, आप ही लोग के मान पर वो बोल रहे हैं। आप उनकी पक्ष को जान लें, सुन लें एक बार। आप माननीय मंत्री जी, शांति से बोलने के लिए धीरे-धीरे इनको शांति से सुनना पड़ेगा। आप स्थिर से बोलिए। बोचहा थाना कांड संख्या 298/20 में मेरा कहीं नाम दर्ज नहीं है। मेरा घर हियापुर थाना में है, मेरा परिसर बोचहा में नहीं है, मेरा घर हियापुर थाना में है। पहला उनके उत्तर का जवाब है। दूसरा, यह किरायनामा है जो 5 साल का किरायनामा है, 600 रुपया महीना, 6,000 महीना दिया गया है। इसको 11 बजे तक के लिए हमारा